आपको वो योजनाएं मिलेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, क्या आजादी मिल रही है मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार दो तरीके से, राहुल गांधी सुन लीजिए, सरकार दो तरीके से आजादी दे रही है। एक तो वो जो सड़कों पे मांग करते हैं कि हमें चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, सरकार उनको भी आजादी देने का बंदोबस्त कर रही है। और उसके बाद जो पॉजिटिव वे में आजादी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, आध्यात्मिक आजादी, राम मंदिर का निर्माण, आध्यात्मिक आजादी जो किसी सरकार ने बोला तक नहीं, सोचा तक नहीं, भारत की 120 करोड़ जनता लाखों साल पुरानी सनातन परंपरा को आजादी मिल रही है। लेकिन जब ये योजनाएं घोषित की गई थी तब भी इसको प्राप्त करना काफी कठिन था। आपको एक तरह से ब्यूरोक्रेसी को और राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि जो हमारी स्थायी कार्यपालिका है और जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका है, वहां से ब्यूरोक्रेसी को भी आप किस ढंग से मैनेज करेंगे जिससे कि लक्ष्यों को बिल्कुल प्राप्त किया जा सके, ये काफी आवश्यक होगा जब देश प्रोटेक्टर में वर्ष। ठीक है, आपकी बात पर एके मिश्रा जी यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं। राहुल लाल जी जो अभी बोल रहे थे ना कि ठीक है टाइम बाउंड प्रोग्राम पहले भी बने थे लेकिन लक्ष्य हमें दूर नजर आते हैं। ठीक है, अगर हम कोरोना वगैरह को साइड डाल दें, हालांकि इम्पैक्ट उसका भी होता है, राहुल लाल की शिकायत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शब्द जोड़ दिया है, प्रयास। इसके पहले योजनाएं इसलिए नहीं पूरी होती थी क्योंकि सबका प्रयास, स्पेशली राहुल लाल जी जैसे लोगों और उनके एक बड़ा तबका है जो राहुल लाल जी जैसे लोगों का है, वो उनका प्रयास नहीं होता था, उनका प्रयास निगेटिव होता था, कामों को, प्रोजेक्ट को डिरेल करने का होता था। इसीलिए अब की बार मोदी जी ने ये जोड़ दिया है कि सबका प्रयास, आप भी प्रयास करिए, अब आगे आने वाले सालों में आपको वो योजनाएं मिलेंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, क्या आजादी मिल रही है मैं आपको बता रहा हूँ। सरकार दो तरीके से, राहुल लाल जी सुन लीजिए, सरकार दो तरीके से आजादी दे रही है। एक तो वो जो सड़कों पे मांग करते हैं कि हमें चाहिए आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, सरकार उनको भी आजादी देने का बंदोबस्त कर रही है। और उसके बाद जो पॉजिटिव वे में आजादी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, आध्यात्मिक आजादी, राम मंदिर का निर्माण, आध्यात्मिक आजादी जो किसी सरकार ने बोला तक नहीं, सोचा तक नहीं, भारत की 120 करोड़ जनता लाखों साल पुरानी सनातन परंपरा को आजादी मिल रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है, आध्यात्मिक आजादी, राम मंदिर का निर्माण, आध्यात्मिक आजादी जो किसी सरकार ने बोला तक नहीं, सोचा तक नहीं, भारत की 120 करोड़ जनता लाखों साल पुरानी सनातन परंपरा को आजादी मिल रही है। आप भी उसमें प्रयास करिए, चल के राम मंदिर में दर्शन करिए, पूजा पाठ करिए, कुछ दिमाग शुद्ध होगा, आपको समझ में आएगा। अरे दिमाग तो उनका शुद्ध होगा मिश्रा जी, आप इस तरह से मत बोलिए ना उनको भी। बोलिए आप, बोलिए बोलिए राहुल जी। लेकिन वो लगातार गिरते गिरते कोरोना काल से पहले ही, देखिए अगर हम एनुअल ग्रोथ रेट पे बात करें तो 7% और अगर तो आपकी बात में ही, आपकी बात में ही तो आपने देखिए जवाब भी है ना। एक सेकंड मिश्रा जी, हमारे साथ स्टूडियो में एके मिश्रा जी लगातार जुड़े हुए। तो एके मिश्रा जी, पूरे संबोधन को आपने ध्यान से बैठकर सुना है, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की बात करना यहां पर प्रधानमंत्री मोदी नहीं भूले, जिस तरह से उन्होंने किसान बिल को भी कहीं ना कहीं हल्के से ही सही, वो बच थोड़ा सा छू के उसको निकलते जरूर चले, लेकिन उन्होंने जिक्र जरूर किया और साफ संकेत दिया कि बिल किसानों के फायदे में, इस पूरे संबोधन को किस तरह से लिया जाए और क्या 2022 के चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा सकता है क्या? देखिए, लाल किले से किसी भी प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल प्लानिंग का डिस्क्लोजर होता है कि पास्ट में हमने क्या किया, हमारे पास चैलेंजेस क्या थे और फ्यूचर में हम कैसे चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के भाषण को देखिए तो एक सिस्टमेटिक और साइंटिफिक उन्होंने प्लानिंग देश के सामने रखी है कि हमारे साथ ये चुनौतियां थी। पूरा देश अपने आप में एक सिस्टम होता है, सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, इंडस्ट्री होती है, पॉपुलेशन होती है, एक एक आदमी इस देश का अगर सिस्टम के हिसाब से देखे तो एक कंपोनेंट होता है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल में केवल यह किया है कि भारत को ग्लोबल इकोनॉमी वर्ल्ड लीडर बनाने के लिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, जितने भी कंपोनेंट है, सबको सिंक करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, सबको सिंक करना। ये नहीं कि कोई स्टेट कहीं और जा रहा है, कहीं और कोई डिपार्टमेंट कहीं और काम कर रहा है, किसी आदमी की विचारधारा कहीं और है। विकास के नाम पे जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ने के नाम पे जितने भी कंपोनेंट इस देश में हो सकते हैं, पार्ट पार्सल हो सकते हैं, सबको सिंक करना और सिंक करते हुए इस बात को बोलना कि
दिशम गच्छद्वम सम वद्धद्वम, मतलब यूनिफाइड होके डायरेक्शन में अगर सारे लोग चल रहे हैं तो देश का विकास होता है। उनके यहाँ बेसिक प्रिंसिपल यही काम करता है, संघ अच्छेद्वम संबद्धद्वम का काम करता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने कुछ बड़े टिपिकल जो है टर्मिनोलॉजी का भी यूज किया है, जैसे सर्कुलर इकोनॉमी। इनफैक्ट सर्कुलर इकोनॉमी टर्म का यूज 1966 में एक किताब में किया गया था, लेकिन सनातन में तो पूरी लाइफ स्टाइल, पूरी जीवन पद्धति ही सर्कुलर होती है। सर्कुलर इकोनॉमी ये होता है कि आप किसी चीज को बार बार प्रयोग कर सकते हैं, रिसाइकिल करके प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप पेट्रोल लेते हैं, एक बार यूज कर लेते हैं, फिर दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसमें जो रिजर्व होता है वो खत्म होता चला जाता है। अब हाइड्रोजन से अगर ईंधन बनाने की बात आ रही है तो हाइड्रोजन से आप बार बार ईंधन बनाइए, आप उसको रिसाइकिल करते रहेंगे, पॉल्यूशन नहीं रहेगा। ऐसे बहुत सारी चीजों पर इन्होंने ये फोकस किया है जो कि ये बताता है। और सबसे खास बात, माइक्रो और मैक्रो के अंदर पे बहुत जबरदस्त यहाँ पे सिंक किया है। माइक्रो का मतलब ये हो गया कि हाईवे बनना, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनना, ये मैक्रो लेवल की प्लानिंग होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। लेकिन माइक्रो का मतलब ये होता है कि किसी गांव में दूर दराज अगर झोपड़ी में कोई एक आदमी है तो सरकार की सुविधाएं वहां तक कैसे पहुंचे। इस चीज को, इन दोनों चीजों को सिंक करना, जो मुझे लगता है कि पास्ट में अभी ये था कि मैक्रो लेवल में तो चीजें हो जाती थी लेकिन माइक्रो लेवल पे अवेलेबल नहीं हो पाती थी। सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए सबका प्रयास वाली जो बात की है, यहाँ पे देश का अगर ग्रोथ होता है, विकास होता है, तो हर आदमी का, जैसे आजादी में हर आदमी का योगदान रहा है, तो देश के विकास में भी योगदान देने में कोई आदमी पीछे ना रह जाए। उनके लिए अवसर उपलब्ध, अवसर की उपलब्धता, सुविधाएं देना, ट्रेनिंग देना, ये सारी चीजें की है। उसके साथ साथ योगी जी का भी मैं देखूं यूपी के ऊपर भी फोकस किया है। यूपी केवल इंडिया का ग्रोथ इंजन साबित हो सकता है, किसी और स्टेट में इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप देखिए महाराष्ट्र नंबर वन पे होता था यूपी पहले, एस जीडीपी स्टेट की जीडीपी के हिसाब से देखो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन, यूपी 13वें-14वें नंबर पे आता था और उसके बाद यूपी को हमेशा बीमारू राज्य बोला जाता था। आज एस जीडीपी के अंदर अगर आप देखेंगे तो यूपी पूरे देश में जो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है इकोनॉमी के हिसाब से दूसरे जो है नंबर पे पहुंच गया है। ये पहली चीज। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, योगी आदित्यनाथ जी ने जो भाषण दिया है कि अगर देश को डेवलप करना है तो यूपी का योगदान, यूपी को डेवलप करना होगा, यूपी में भी विशेषकर पूर्वांचल को। सारी योजनाओं पे हम डिटेल में बात करेंगे। कहने का मतलब एक समन्वित ये प्रयास है, जो प्लानिंग है कि आगे जो इन्होंने 75 वीक्स का जो एक कॉन्सेप्ट दिया है, अमृत बेला का, अमृत महोत्सव का जो कॉन्सेप्ट दिया है, ये टाइम बाउंड कर देता है। ऐसा नहीं कि जी ये योजना है हम करेंगे 20 साल में करेंगे, बीच में लटक गई। देखिए कितना फिक्स इन्होंने किया है, एक एक प्रॉब्लम को, एक एक चुनौती को माइक्रो और मैक्रो लेवल पे सरकार फिक्स कर रही है उस चैलेंज को कि 75 वीक्स में हमें इतनी चीजें कर लेनी है, या पर्टिकुलर 2023 तक हमें इतने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं, 2024 तक 75 करोड़, 100 करोड़ या 120 करोड़ लोगों के पास ये चीजें हो जानी चाहिए, घर घर नल हो जाने चाहिए। तो ये एक बहुत लंबा, और अब की बार देखिए मैं बताऊं, जो पहले भाषण होते थे ना वो राजनीतिक ज्यादा होते थे, हमने देखा हम करेंगे ये है वो है, या अपनी सरकारों के बारे में। ये बड़ा साइंटिफिक टाइम बाउंड प्लानिंग यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है कि हम क्या क्या और कितने समय में और कैसे करेंगे। फालतू के कानूनों को हटाना, बाधा दौड़ जो होती है, मतलब फालतू के कानूनों को हटाने का मतलब है कि अगर आप उनको हटा दीजिए तो ग्रोथ की स्पीड, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग अपने आप वो इतनी स्मूथ हो जाती है कि आपको एक्स्ट्रा इफर्ट नहीं लेना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो कि मुझे लगता है कंक्लूसिव वे में, ये एक केवल भाषण नहीं था जिसमें कि अपनी सरकार की उपलब्धियों को बताया जाए, देश के सामने माइक्रो और मैक्रो लेवल